प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बांग्ला फिल्मों की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां का रिश्ता टूट गया है। अरसे से नुसरत जहां और निखिल जैन के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही जा रही थी। आखिर में नुसरत जहां ने बयान जारी करके रिश्ता टूटने की बात मान ली। नुसरत ने कोलकाता के बड़े व्यापारी निखिल जैन से निकाह किया था। उनकी शादी तुर्की के कानून से हुई थी जो भारत में वैध नहीं है। नुसरत जहां ने अपने बयान में कहा है कि हम दोनों काफ़ी पहले ही अलग हो चुके थे। मैंने इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कभी बात नहीं की। मेरे किसी भी कदम को इस अलगाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी शादी तुर्की के मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी। यह शादी पूरी तरह गैरकानूनी है। यह दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी थी। इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी था। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस लिहाज से हमारी शादी नहीं हुई। यह महज रिलेशनशिप था। नुसरत जहां ने निखिल जैन से रिश्ते खत्म करने के ऐलान के साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि निखिल जैन उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। उनकी सारी ज्वेलरी जैन परिवार के कब्जे में है। नुसरत जहां ने साफ कहा है कि निखिल जैन से उनकी शादी वैध नहीं थी। वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। तृणमूल सांसद का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत और मुश्किल से पहचान बनाई है। वो अपने नाम के जरिए किसी और को फेमस नहीं होने देंगी। उन्होंने मीडिया से निखिल को हीरो की तरह पेश नहीं करने की अपील भी की है। दरअसल साल 2019 में नुसरत जहां ने जैन समाज के बड़े कारोबारी निखिल जैन से तुर्की के बोधरम में शादी की थी। दोनों की शादी ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। इस साल के बंगाल चुनाव के पहले दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी। चुनाव के बाद खबर आई कि नुसरत जहां मां बनने वाली हैं। इस पर निखिल जैन ने कहा था कि वो नुसरत के होने वाले बच्चे के पिता नहीं हैं। नुसरत जहां ने भी एक ट्वीट में जिक्र किया था कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस दुनिया में आओ। यह साफ नहीं हो सका है कि नुसरत ने किस बात को ध्यान में रखकर ट्वीट किया था। वैसे नुसरत की बांग्ला फिल्मों के एक्टर यश दास गुप्ता से नज़दीकी की खबरें भी आती रहती है। बड़ी बात यह है कि नुसरत जहां ने यह भी कहा है कि सिर्फ अमीर होना किसी आदमी को विक्टिम कार्ड खेलने और किसी औरत पर झूठे इल्जाम लगाने का हक नहीं देता है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।